हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ सोशल साइंस, यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की जो पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसका चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे चैप्टर के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट की एक्सरसाइज करना, मतलब फंडामेंटल राइट को फॉलो करवाना नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो है डी, पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज़ इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन। मतलब ऐसा क्या ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो बच्चे को ही मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स दे करके जाएंगे बच्चे को तो होगी उसकी, या फिर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो बच्चे की हो जाएगी। अगर पेरेंट्स चाहें कि वो अपने बच्चे को ना देना चाहें प्रॉपर्टी तो ना दें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारे पास है ही नहीं। वर्कर्स फ्रॉम बिहार टू गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। राइट टू वर्क, हमारे पास राइट टू वर्क है, मतलब हम अपने देश के किसी भी हिस्से में जा करके काम कर सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी सेटअप चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स, येस। राइट टू रिलीजन में, राइट टू ऑपरेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आप लोग धार्मिक स्थल धार्मिक स्कूल्स चला सकते हैं, जैसे कि मदरसे चलते हैं। मैन एंड वेमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गेट द सेम सैलरी। राइट टू इक्वल वेजेस है हमारे पास, कि भाई सबको समान अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के अंडर ये आता है। तो ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन्स के पास कौन सी फ्रीडम नहीं है? तो फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन। हम लोग आर्मी में मतलब दंगों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आर्म्ड रिवॉल्यूशन का मतलब है वॉयलेंस करना, दंगे करना। तो आर्म्ड रिवॉल्यूशन का हक हमारे देश में हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के को बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। फ्रीडम टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट पीसफुल होना चाहिए। हम लोग उसमें हिंसा का प्रयोग ना करें। और फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम, हाँ मतलब अपोज कर सकते हैं हम लोग एक तरीके से, अगर हमें सही ना लग रही हो तो। ठीक है, बट हम लोग दंगे नहीं फैला सकते हैं, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से अधिकार हमें हमारे संविधान में मिले हुए हैं? तो देखिए, इसका आंसर है सी, राइट टू प्रोटेक्ट वन कल्चर। हमें अपना कल्चर, कल्चर होता है जो चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आप किसी धर्म के हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए, आपके कल्चर का पार्ट है, तो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। तो फॉलोइंग राइट्स इज ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल। ये सब किस राइट में आते हैं? राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, अपने रिलीजन को फैलाना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है। राइट टू लिव, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, तो राइट टू फ्रीडम के अधिकार में आता है। राइट टू लाइफ जो है ना, वो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को खत्म करना, तो ये राइट टू इक्वालिटी, EQUALITY, राइट टू इक्वालिटी में ये चीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर मतलब आप लोग जो है बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, तो ये राइट टू फ्रीडम भी है और एक है राइट अगेंस्ट। वैसे राइट टू फ्रीडम के अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये ज़्यादा सही आपके एग्जाम में आए, तो आप ये लिख के आइएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बॉन्डेड लेबर करवाना तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि आप किसी के साथ खराब कर रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम और ज़्यादा सही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स इज वैलिड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा हमें डेमोक्रेसी और राइट्स के बीच में रिलेशन बताता है? तो ए वाला सबसे अच्छा है, एवरी कंट्री दैट इज़ अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन्स। मतलब हर देश जो कि अगर एक सच में संवैधानिक तौर पर चल रहा है, जो कि एक लोकतंत्र है, लोग वोट दे करके अपना नेता चुनते हैं, तो ऐसे देश में सिटीजन्स को, नागरिकों को अधिकार मिले होते हैं, राइट्स मिले होते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे सही आंसर। और रीज़न, गिव रीजंस फॉर योर प्रेफरेंस। ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रेफर किया, तो आप इसलिए कह सकते हैं बिकॉज
इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट्स आर प्रोवाइडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट पीपल कैन एन्जॉय देयर लाइफ फुली, ठीक है, अपनी लाइफ सही तरीके से जी सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ फ्रीडम जस्टिफाइड, क्या जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं लोगों को कोई चीज़ें करने से रोका जाता है तो क्या वो जस्टिफाइड है? तो हमें आंसर बताना है, इंडियन सिटीजन्स नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजन्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, हमें कई बॉर्डर्स के इलाकों में नहीं जाने दिया जाता हमारी सिक्योरिटी के लिए. तो भाई बिल्कुल सही है, कंट्रीज सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द राइट टू फ्रीडम ऑफ सिटीजन. भाई हम लोगों के फ्री रहने के अधिकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश सुरक्षित रहे. नेक्स्ट, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, हमारे देश के ही कुछ लोग, हम लोग जैसे अरुणाचल प्रदेश के या नागालैंड के कुछ एरियाज में जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये सही कैसे हो गया भाई? तो देखिए, सम एरियाज आर कल्चरली एंड इकोलॉजिकली वल्नरेबल एंड हेंस आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सच एरियाज. तो कुछ ना कल्चर ही अलग होता है उनका, बिल्कुल अलग तरीके से वो लोग जिंदगी बिताते हैं, अलग तरीके से रहते हैं. तो कल्चरली भी, इकोलॉजिकली भी, इकोलॉजिकली मतलब उनका नेचर, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, पहाड़ों का इलाका है या अलग तरीके का इकोलॉजी है वहाँ की, तो वो बाकी देश से अलग है, इसलिए वहाँ पे ना उधर के ही लोगों को रहने का ज़्यादा मतलब बोला जाता है और बाकी देश के दूसरे हिस्सों से लोग वहाँ पर ज़मीन जा कर के नहीं खरीद सकते. नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट बैंस द पब्लिकेशन ऑफ अ बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन. गवर्नमेंट जो है वो बैन कर सकती है किसी किताब की पब्लिकेशन को जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाती है. तो रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसी किताब लिख रहा है जो रूलिंग पार्टी है, सरकार के खिलाफ है वो अगर किताब, तो भाई हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है. तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए चैप्टर के. कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.